बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात बदरखा हलालपुर मार्ग स्थित यशपाल की तीन बदमाशों ने गोली बरसाकर हत्या कर दी। परिजन भट्टा मालिक को अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ईट भट्टा मालिक देशपाल बदरखा गांव के रहने वाले थे और रालौद के नेता थे। वो मंगलवार देर शाम करीब 7:30 बजे भट्टे पर बैठे थे और तभी एक बाइक पर सवार तीन बदमाश वहां आए और देशपाल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक गोली देशपाल की छाती, दूसरी सिर और तीसरी गोली पेट में लगी। वो जमीन पर जा गिरे और इसके बाद बदमाश फरार हो गए। फायरिंग होने पर भट्टे के मजदूरों ने भगदड़ मचा दी और सूचना पर परिजन आए और देशपाल को नगर के एक निजी अस्पताल ले गए जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना पर एएसपी अनित कुमार, सीओ आलोक सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटनास्थल पर जाँच हुई। तीन टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश कराई गई लेकिन रात तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। एसपी का कहना है पूरी घटना की जाँच की जा रही है। थाना छपरौली के गांव बदरखा में सुबह करीब 7 बजे की उम्र 52 वर्ष है और जो गांव बदरखा के रहने वाले हैं, इन्हें एक मोटरसाइकिल पर सवार आए तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारने की घटना कैद की गई। घायल देशपाल को तुरंत ही आस्था अस्पताल लेकर के जाया गया जहां डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। हत्या के कारणों